नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे बांदा की खबरों पर। नवरात्रि के समापन के बाद अब वो समय नज़दीक आ गया है जब माँ दुर्गा विदाई ले रही हैं। महानवमी के अगले दिन विजयदशमी पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। विसर्जन के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त दशमी तिथि शुभ मानी जाती है। दुर्गा विसर्जन के साथ ही दुर्गा पूजा उत्सव का समापन होता है। आपको बता दें, देर रात्रि से ही देवी भक्त पूजा अर्चना के बाद से ही देवी विसर्जन में लग जाते हैं। पंडाल खाली होने लगते हैं। जितना समय देवी पंडालों को सजाने और संवारने में लगता है, उतना ही समय पंडालों से देवी प्रतिमाओं को ले जाने में लगता है। यूं तो ये दिन पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन बांदा में हर त्यौहार की तरह इस त्यौहार पर भी हिंदू मुस्लिम समुदाय में सामंजस्य देखा जाता है। जगह जगह पर हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भी भंडारों और भी कार्यक्रमों में एक साथ देखे जाते हैं। आज सुबह से ही देवी विसर्जन के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्त मूर्ति विसर्जन के लिए धार्मिक गाने बाजे की धुन पर झूमते हुए जयकारे लगाते हुए बांदा की केन नदी पहुंच रहे हैं, जहां पर प्रशासन की तरफ से विसर्जन करने का इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। वहीं आज देवी विसर्जन में आए हुए हजारों की तादाद में लोगों के लिए शहर में आज बाबूलाल चौराहे में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी देवी विसर्जन कार्यक्रम पर स्वर्गीय दिनेश शर्मा उर्फ दिन्ना भैया स्वर्गीय जितेंद्र शर्मा के परिवार की तरफ से उनके आवास बाबूलाल चौराहा से देवतुल श्रद्धालु देवी भक्तजनों को प्रसाद वितरण का कार्य किया गया। इस अवसर पर हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मौके पर बांदा सदर से सपा के प्रबल दावेदार शिखर शर्मा, मुदित शर्मा के साथ पूरे परिवार और उनके सहयोगियों विकल्प राकेश चक्रवर्ती, तौफीक खान, इंतजार शिबू जीशान, दीपक त्रिपाठी, बाबू अबरार फारूकी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व प्रसाद वितरण में मौजूद रहे। बांदा से अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम शेखर शर्मा। सर चाचा, ये किस का प्रोग्राम आयोजित? ये मूर्ति विसर्जन के उसमें जो है बिरयानी प्रसाद वितरण हो रहा है। ये मूर्ति विसर्जन वालों के लिए, जो मेला देखने आते लोगों के लिए ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है।